हेलो एंड वेलकम टू सदफ स्मार्ट रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके का नाश्ता, जिसे हम रवा और आलू से बनाएंगे। बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली ये नाश्ता हम आज ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन लिया है, उसमें मैं 1 टीस्पून ऑयल डालूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें चुटकी भर हींग डाल दूंगी। और 1 कप पानी। इसे थोड़ा बॉईल आने दीजिए। मैंने 2 आलू ली हूँ बड़े साइज के, इसे मैंने इस तरह किसकर इसे पानी में डुबोकर रखा था, जिससे इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। पानी बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम किसे हुए आलू डालेंगे और इसे हम अच्छे से पका लेंगे 2 से 3 मिनट। थोड़ा सा ढककर 2 मिनट हो गए हैं, हम इसे और अच्छे से पानी सुखाए तक पका लेंगे, ताकि आलू भी अच्छे से पक जाए। देखिए इस तरह हमें इसे पकाना है, ये थोड़ा सा दबे इस तरह। अब हम इसमें 1 कप छाछ डालेंगे, इससे पहले हम गैस स्लो कर देंगे। हमने इसमें 1 कप छाछ डाला है, अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप 1/2 कप दही भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। साथ ही में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और इसे भी बॉईल आने तक हम इसे पका लेंगे। अब हम इसमें 1 कप ही रवा डाल देंगे। अब जिस कप से पानी, जिस कप से छाछ लेंगे, उसी कप से रवा लेंगे। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसे एकदम मीडियम आंच पर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसे हम 1 मिनट से 2 मिनट के लिए ढक के थोड़ा सा स्टीम होने देंगे। देखिए अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे। इसके बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा किसा हुआ अदरक और कड़ी पत्ता, अदरक ऑप्शनल है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास लाल कुटी हुई मिर्ची है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर करेंगे। और अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे आप जितना अच्छे से नीट कर पाएंगे, हम इसे गर्म ही नीट करेंगे। आप इसे हैंडल करें उतना नीट करें, अच्छे से नीट कर लेंगे हम इसे, अच्छा चिकना चिकना। आप इसे गरम गरम नीट ना करें, क्योंकि आपके हाथ जल सकते हैं। मैंने इसे हाथ लगाया तो मेरी पूरी उंगलियां जल चुकी है। तो आप इसे थोड़ा ठहर के नीट करें, अच्छे से मसल लें। देखिए इसे मैंने अच्छे से नीट कर ली हूँ। अब आप इसके कैसे भी शेप दे सकते हैं, चाहे आप टिक्की के दे सकते हैं। मैं इसे मेंदू वड़े के नाम से आपको बताई हूँ, तो मैं इसे मेंदू वड़े का शेप दूंगी। देखिए मैंने इसे इसका शेप दे दिया है। और इस 1 कप रवे में मेरे पूरे 12 मेंदू वड़ा बने हैं। आप इसे इस तरह रख के फॉल पेपर में या फिर बटर पेपर में सेव करके अच्छे से पैक डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में बंद करके 10 दिन भी फ्रीजर में रख के खा सकते हैं। इसे
बस निकाल के फ्राई करने के बस 15 मिनट पहले निकाल के फ्राई करिए। और ये तैयार है, बड़े जल्दी झटपट बनने वाला नाश्ता है। मैं इसमें से आपको 2 फ्राई करके दिखाऊंगी। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें इसे फ्राई कर लेंगे। इसका ऑयल एकदम गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये ऑयल चूस सकते हैं या फिर ये फट भी सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर लेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम। इसे हम अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए रेडी है एकदम करारा और चटपटा नाश्ता। इसके साथ आप कोई भी चटनी या फिर आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं। बस जब भी भूख लगे आप इसे फ्रीज़र में से निकालिए 15 मिनट पहले और फिर फ्राई कर लीजिए। ये 10 दिन तक खराब नहीं होंगे। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, शेयर करके कमेंट करके बताइए और खूब शेयर कीजिए अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो। प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सदब स्मार्ट रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।